नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई की शान कहा जाने वाला बांद्रा वर्ली सी लिंक सबके मन को भाता है, लेकिन इसकी कुछ खासियत है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप दोपहिया वाहन पर हैं या फिर पैदल हैं तो आप इस पुल पर नहीं जा सकते। आमतौर पर किसी भी शहर में कोई भी पुल होता है, वहाँ पर दोपहिया वाहन और पैदल जाने वाले यात्रियों को आसानी से जाने दिया जाता है, लेकिन यह सी लिंक कुछ खास है। इस वजह से इस पर दुपहिया वाहन और पैदल चलने वाले यात्रियों को नहीं जाने दिया जाता। यानी अगर आप बांद्रा वर्ली सी लिंक को पैदल घूमना चाहते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस पुल पर से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फोर व्हीलर होना ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों किया गया है यह भी आपको बता देते हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक को बनाने की वजह सिर्फ यह थी क्योंकि बांद्रा से वर्ली जाने के लिए काफ़ी समय लगता था और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी रहता था। इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाया गया ताकि ट्रैफिक आसानी से जा सके। अब इस पर अगर पैदल यात्रियों को जाने दिया जाएगा तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को फोटोग्राफी करने का भी काफ़ी शौक होता है और जगह जगह खड़े होकर फोटोएँ खींचेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी बाधा आएगी। इस वजह से यहाँ पर पैदल यात्रियों को जाने की इजाज़त नहीं है और दूसरी तरफ दोपहिया वाहनों को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा चौपहिया वाहनों से होता है। इसलिए चौपहिया वाहनों को बांद्रा वर्ली सी लिंक पर डाइवर्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। हम आशा करते हैं जानकारी आपके लिए रोचक सिद्ध हुई होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।